पहले वामपंथियों में कहावत होती थी ना कि झंडा ढोवे चमार और नेता बने भूमिहार। अब क्या हुआ, अब एक नया नारा बना है कि झंडा ढोवे चमार और नेता बने गोवार। क्या नाम हुआ? मेरा डॉक्टर धीरज सिंह यादव नाम हुआ, पटना यूनिवर्सिटी में। क्या लग रहा है इस बार, कहाँ माहौल क्या है? इस बार छात्र संघ का जो माहौल है तो पूरा पटना विश्वविद्यालय गरीब वंचित दलित के जो मसीहा हैं, जो जो इन तबकों को आवाज़ देने का काम किए, उनके रंग में रंग चुका है। हाँ। पूरा पटना विश्वविद्यालय लालूमय हो चुका है। अच्छा। और सारा सेकुलर हिंदू और सारे मुसलमान गोलबंद होके सब लोग छात्र राजद को वोट करेंगे। हाँ। और सारे पैनल पर काउंसलर भी राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी जीत रहा है। दलित वंचित बोल रहे हैं, 5 पद होता है सेंट्रल पैनल में। पिछले बार भी आरजेडी से दलित उम्मीदवार नहीं दिया गया, इस बार भी दलित उम्मीदवार नहीं दिया गया, दलित आरजेडी को वोट क्यों करे? दलित इसलिए करे, सबसे पहले वामपंथियों में कहावत होती थी ना कि झंडा ढोवे चमार और नेता बने भूमिहार। अब क्या हुआ, अब एक नया नारा बना है कि झंडा ढोवे चमार और नेता बने गोवार। तो ये स्थिति है जो काहे ने सेंट्रल पैनल पे जो दलित दलितों और वंचितों का जो सवाल है, उस सवाल पर सबसे ज़्यादा अगर इस बिहार और देश में लड़ने वाला कोई नेता हुआ है तो मान ठीक है, प्रतिनिधित्व कोई चीज़ है और प्रतिनिधित्व का जहाँ तक आप आरजेडी बोला गया है ना कि कितना भगवतिया देवी छोड़िए ना इतिहास, अरे आज में जिंदा, आज में बात कीजिए, आज में जिंदा रहिए ना इतिहास में। अरे सुनिए हमारा एक सेकंड, आपके आरजेडी की जो पार्टी है उसमें बहुजनों का कितना आरक्षण दिया गया संगठन में? पूरा आरक्षण है नहीं, उसमें एक लिमिट 47% या 48%। सुनिए ना, आप सुनते नहीं है, सवाल सुनिए तब ने। आरजेडी में करीब 50% के आसपास SC ST OBC को आरक्षण दिया गया, कहा गया संगठन में कि आरजेडी संगठन में बहुजनों को आरक्षण दिया गया, लेकिन छात्र संघ चुनाव में दलितों को टिकट नहीं दिया जाएगा, आदिवासी उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। जहां तक दलितों का सवाल है, वंचितों का सवाल है, तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी हितैषी पार्टी रही है। नहीं सवाल भैया, आप राजद समर्थक हैं, आप लंबे समय से छात्र हमको लग रहा है कि छात्र राजनीति बिल्कुल और अच्छा है। देखिए दलित समाज के लोग लालू यादव का बहुत सम्मान करते हैं, बहुजन सब तबका पूरा देश का करता है, हम भी करते हैं, लेकिन बात वही ना टकती है कि आप दलित की बात कर रहे हैं और दलित को चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। एक आक्रोश नहीं होना चाहिए दलितों में? पटना विश्वविद्यालय का जो चुनाव होता है, सेंट्रल पैनल में 5 ही पद हैं, तो पद के हिसाब से जो भी योग्य प्रत्याशी होते हैं उनको लड़ाया जाता है, जिसको लड़ाकर जो है कि सभी जाति का प्रतिनिधित्व हो जाए और छात्र का जो नेतृत्व कर सके, तो वैसे बढ़िया बढ़िया प्रत्याशी को उतारा जाता है। जैसे इस बार हमारे आयुष जी हैं, हमारे प्रत्याशी हैं अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष पद पर हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय और जो समाजवाद का जो विचारधारा है उस पर ज़्यादा मजबूती से लड़ने में सक्षम है, तो उनको अध्यक्ष बहुजन सक्षम नहीं मिला आपको, दलित भी सक्षम नहीं मिला, नहीं बांटना चाहिए 5 ही आप बोलिएगा। लालू यादव जब खड़ा बोलते हैं दलितों पिछड़ो यदुवंशियो नहीं बोलते, यदुवंशी बोलते हैं बिल्कुल, आप 5 पद है लालू यादव भी बोलते हैं, एक सेकंड अच्छा, लालू यादव गांधी मैदान में बोलते हैं कि नहीं कि अरे यादवों को तोड़ देगा, बिल्कुल 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 बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। जाति बोले कि नहीं लालू यादव? जाति बोले, लेकिन जब उस जाति के साथ तोड़ने की बात आई तब बोले। अगर जाति की राजनीति नहीं होगी ना तो दलित को कोई नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, बहुजन की राजनीति नहीं होगी। हाँ सही बात है, देखिए जाति का बात सही है, लेकिन 5 आप गलती स्वीकार नहीं करते हैं कि गलती हुई है राजद? नहीं नहीं, दलित उम्मीदवार नहीं दिया? नहीं नहीं, गलत बात है, नहीं नहीं गलती नहीं हुआ है, इसलिए गलती नहीं हुआ है कि 5 ही पद हैं और हिंदुस्तान में जितनी जातियां हैं सभी जातियों का प्रतिनिधित्व अच्छा, यहां 5 में नहीं हो सकता है। नहीं सभी जाति की बात करें, हम जाति की नहीं वर्ग की बात करें, वर्ग भी कई वर्ग है, किसको में बांटिएगा? SC ST OBC जनरल, 5 से ज्यादा जनरल, SC ST OBC जनरल, हाँ हाँ हाँ, अब मुसलमान कहाँ गए हमारे ओबीसी में आते हैं, हमारे मुसलमान ओबीसी मुसलमान कहाँ गए ओबीसी में आते हैं, हमारे बढ़ाई समाज के लोग कहाँ गए, दलित में आप लोग बोलिएगा कि चमार कहाँ गए, पासवान कहाँ, जाति की हम बात ही नहीं किए, जाति की कहाँ बात किए, अभी आप बोले कि जादव एक हो जाओ, ये तो लालू यादव बोलते हैं, अभी आप कहाँ बोले लालू यादव सच्चाई है, अभी आप बोले जाति की बात बोले, दलित बोले, आप बोले
अभी आप बोले अभी अभी जाति देश साल पहले नहीं, अभी चुनाव में बोल रहे थे। हमारा कहने का मतलब आपको अभी भी नहीं लगता कि गलती हुई है राजद से? गलती का कहाँ है, हमारा तो सारा कैंडिडेट जीत रहा है। अच्छा, ये इनको ऐसा लगता है कि पिछले बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पिछली बार भी दलित उम्मीदवार नहीं दिया गया था, इस बार भी दलित उम्मीदवार नहीं दिया गया, बावजूद इसके इनको लगता है कि दलित इनको वोट देंगे। हो सकता है दलित वोट दें, दलित अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, हिस्सेदारी की भी लड़ाई लड़ते हैं। जब आप दलित की हिस्सेदारी नहीं उसको दीजिएगा तो दलित आपको वोट क्यों देंगे? ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जीत रही है आरजेडी हर हर कोई नहीं लगता यहाँ के छात्रों हर सीट पर, फिर भी आपको क्या लगता है आप ही बता दीजिए। अगर दलितों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाए पांच सीटों पर तो क्या दलित वोट देंगे? प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम जय भारत।